हेलो एवरीवन, वीडियो में डिस्कस करेंगे कनाडा की तरफ से आए दो बड़े अपडेट्स के बारे में, क्योंकि ये अपडेट्स बहुत ज़रूरी है और वीज़ा प्रोसेसिंग के ऊपर इसका इफ़ेक्ट आने वाले दिनों में दिखेगा नहीं दिखेगा, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। किसी भी तरह की वीज़ा फाइलिंग में हेल्प चाहिए, अपना केस डिस्कस करना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा दो बड़े अपडेट्स कनाडा इमिग्रेशन की तरफ से। पहला अपडेट है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग है, दूसरा जो बड़ा अपडेट है वो कनाडा पीआर एप्लीकेशन के रिगार्डिंग है। स्पेशली जो लोग एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉ के बारे में वेट कर रहे हैं या आपकी पीआर की एप्लीकेशन लगी हुई है, तो सबसे पहला अपडेट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। जैसे कि आपको पता है कि कनाडा ने अनाउंस किया था 1 दिसंबर से जो अपने स्टूडेंट वीज़ा की प्रोसेसिंग है उसमें चेंज करने वाले हैं। बड़ा चेंज क्या है, क्या उसका असर पड़ेगा, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो अगर आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने वाले हो या आपकी एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है स्पेशली स्टूडेंट वीज़ा की, तो आपके लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस की वेरिफिकेशन होगी। तो इसमें बड़े नंबर्स में आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो कॉलेज है वो जेन्युइन होना चाहिए, ठीक है, तब ही जाके जो आपकी ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है वो वेरीफाई हो पाएगी। तो ऐसे में प्रोसेसिंग के ऊपर लिटिल बिट अफेक्ट पड़ सकता है, बट ज़्यादा नहीं। अब से अगर आपने पे आफ्टर वीज़ा का सिस्टम भी एजेंट के साथ किया है तो उसको भी ध्यान से करना, क्योंकि कॉलेज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बन जाएगी कि हाई कमीशन को क्लैरिफाई करना कि ये बच्चा जेन्युइन है, इसकी फीस वाकई में जेन्युइन आई है और इसका जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है वो जेन्युइन है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और कनाडा के सिस्टम में थोड़े से चेंज आए हैं, जैसे आपका मेन इमिग्रेशन का जो फॉर्म है उसमें कुछ चेंज आए हैं। अगर आपने एप्लीकेशन अप्लाई करनी है तो नए फॉर्म के साथ अप्लाई करनी है, पुराना जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। दूसरी बड़ी अपडेट कनाडा पीआर एप्लीकेशन के रिगार्डिंग है। अगर आपने स्पाउजल स्पॉन्सरशिप की एप्लीकेशन लगाई हुई है, ठीक है, आप रिजल्ट की वेट कर रहे हो, तो थोड़ी सी एक नेगेटिव न्यूज़ है आपके लिए। नेगेटिव न्यूज़ क्या है कि अब रिजल्ट एप्लीकेशन के थोड़ा बहुत डिले हो रहे हैं, स्पेशली उन एप्लीकेंट्स के लिए जिनकी एप्लीकेशन न्यू दिल्ली वीज़ा ऑफिस में मूव की गई है, क्योंकि आफ्टर मेडिकल जैसे जो जिनका वीज़ा ऑफिस कनाडा में है तो उनके रिजल्ट जल्दी आ रहे हैं, बट जिनकी एप्लीकेशन न्यू दिल्ली में मूव की गई है उनके रिजल्ट में एवरेज मेडिकल के बाद 3 से 4 महीने लग सकते हैं, जो आज का करंट सिनेरियो चल रहा है। दूसरा, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ क्यों नहीं आ रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के जो आल्स एक्सपायर होने वाला है या एक्सटेंशन वर्क परमिट की वो एक्सपायर होने वाली है या उनका वर्क एक्सपीरियंस ओल्ड हो रहा है। तो उन सभी लोगों को मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, आने वाले दिनों में कनाडा डेफिनेटली जो एक्सप्रेस एंट्री के ऑल प्रोग्राम्स ड्रॉ है वो रिज्यूम करेगा। लास्ट ड्रॉ जो अक्टूबर में आया था, अब उसके पीछे जो बड़ा रीज़न बताया जा रहा है वो टेक्निकल ग्लिच है, आने वाले दिनों में उसको सॉल्व कर लिया जाएगा तो डेफिनेटली आपके जो ड्रॉ है वो कंडक्ट किए जाएंगे, क्योंकि जो नई एप्लीकेशन है वो भी कंप्लीट नहीं हो पा रही है पीआर की ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच। आने वाले दिनों में कनाडा बड़े नंबर्स में ड्रॉ कंडक्ट करेगा, क्योंकि उनका जो टारगेट है बड़े नंबर्स में इमिग्रेंट बुलाने का, अगर ये सिस्टम ठीक होगा बड़े नंबर्स में ड्रॉ कंडक्ट होंगे तभी जो कनाडा का टारगेट है वो कनाडा अचीव कर पाएगा। तो ये दो बड़ी अपडेट थी, पहली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। अब हाई कमीशन स्ट्रिक्ट होगा, अपनी एप्लीकेशन ध्यान से लगानी है, अपना जो कॉलेज है वो ध्यान से चूज करना है ताजो आने वाले दिनों में आपका नुकसान ना हो। लिटिल बिट प्रोसेसिंग डिले होगी पीआर एप्लीकेशन की, वरी करने की ज़रूरत नहीं है और जल्दी जो एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉ है वो रिज्यूम होंगे। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन। किसी भी तरह की वीज़ा फाइलिंग में हेल्प चाहिए, अपना केस डिस्कस करना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।